पावर स्टार पवन सिंह के साथ ऋतु सिंह आपको पहली बार नजर आएंगी देवी गीत में। जी हाँ, इसका खुलासा खुद ऋतु सिंह ने अपने इंस्टा अकाउंट से किया है। उन्होंने एक पोस्ट डाली और पोस्ट के कैप्शन में लिखा, माँ सरस्वती के पुत्र और मेरे गुरुजी। जी हाँ, ये सोचने वाली बात है कि खेसारी लाल यादव के साथ सबसे हिट जोड़ी बना चुकी ऋतु सिंह पवन सिंह को मेरे गुरुजी लिखती है और ये लिखती है कि लंबे समय बाद उनके साथ काम करने का मौका मिला है। वैसे आपको ये बता देते हैं कि ऋतु सिंह और पवन सिंह पहली बार देवी गीत के एल्बम में नजर आएंगे। जी हाँ, ये कॉम्बिनेशन जनता को कितना पसंद आएगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन आपको हम यहाँ ये बता देते हैं कि ऋतु सिंह पवन सिंह को बहुत ही ज़्यादा मानती हैं, उनके गानों को वो बहुत ही पसंद करती हैं। और आपको ये बता देते हैं कि भले ही ये दोनों काम नहीं करते, लेकिन पवन सिंह के हर एक बर्थडे पार्टी में ऋतु सिंह आपको नज़र आ सकती हैं। ऋतु सिंह से बहुत ही प्यारा बॉन्ड शेयर करते हैं पवन सिंह, और जो फोटो मीडिया के सामने आई है उसमें आप देख सकते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह फ़ोटो लेते नज़र आ रहे हैं, सेल्फी लेते नज़र आ रहे हैं ऋतु सिंह के साथ, और ये फोटो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। तो क्या कहेंगे आप हमारे इस रिपोर्ट के बारे में, लेकिन जाते जाते हम आपको ये बता देते हैं कि भले ही ऋतु सिंह को पवन सिंह के साथ काम करने का मौका मिला है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये मौका पसंद नहीं आया है और ऋतु सिंह को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। और यहीं पर ऋतु सिंह ने भी उन ट्रोलर्स का जवाब दिया। लोगों को, ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि खेसारी के साथ आपकी जोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और अब आप पवन सिंह के साथ क्यों काम कर रहे हैं, यानी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि खेसारी के फैंस ज़्यादातर ऋतु सिंह को ट्रोल कर रहे हैं और उन्हें ये कह रहे हैं कि क्यों वो पवन सिंह के साथ काम करने जा रही है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।